नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण की। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी। नृपेंद्र जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं क्या पूरा देश जानना चाहता है कि जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, कब रामलला विराजमान होंगे, कब देश की जनता रामलला के दर्शन कर पाएगी। जो यात्रा प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू हुई मंदिर निर्माण की, आपका क्या अनुभव है? अब तक के कार्यक्रम के अनुसार जो कि ट्रस्ट ने स्वीकृति दी है, यह एक आयोजन 14 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 के बीच में तिथि निर्धारित की जानी है। तिथि हम इसलिए नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण दिया गया है और अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से तिथि की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जो भी कार्यक्रम होगा, संभवतः 26 जनवरी 2024 से श्रद्धालु भगवान रामलला का दर्शन कर सकेंगे। मैं यह अवश्य आपको बताना चाहूँगा कि जो मंदिर का कार्य दिसंबर 2023 तक हम लोगों ने निर्णय लिया था मिलकर, उसके अनुसार मुख्यतः जो ग्राउंड फ्लोर में निर्माण कार्य किया जाना था, उसकी एक तरीके से कार्यक्रम के अनुसार उसकी पूर्ति हो सकेगी। जहाँ तक प्रथम तल और द्वितीय तल का प्रश्न है और बाकी सारे निर्माण कार्य जो कि मंदिर से जुड़े हुए हैं, वह दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगा। आप ये अनुमान लगा लें जी। मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से इसलिए बताना चाहूँगा कि आपके टीवी चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को जानकारी मिलेगी कि पूरा मंदिर लगभग 8 एकड़ में बनकर पूरा होगा। मैं कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स में तो 71 एकड़ है, लेकिन 8 एकड़ मंदिर प्रमुख है, जिसका आप समझें कि जो बाहरी क्षेत्रफल है वह परकोटा है। परकोटा को आप इस प्रकार समझें कि एक तरीके से मंदिर की सीमा निर्धारित हो जाती है, लेकिन ये कोई बैरिकेड नहीं है। परकोटा में बहुत निर्माण कार्य होगा। परकोटा में अभी ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि 6 भगवान पंचायतन की दृष्टि से उसमें मंदिर होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि परकोटा की जो वॉल है, जो एक तरीके से आप यूँ सोचें कि वॉल से वह बाहरी किसी हस्तक्षेप से मंदिर को सुरक्षित रखता है,
तो उस वॉल पर इनर साइड में ब्रॉन्ज के म्यूरल्स बनेंगे, लगभग 100 म्यूरल स्थापित होंगे। म्यूरल दो प्रकार के संदेश देगा, एक तो यह कि मर्यादा पुरुषोत्तम किस प्रकार की संरचना समाज की उनकी कल्पना ही नहीं थी, उन्होंने उसको साकार उतारा जी। तो उसकी एक तरीके से झांकी आपको यहां मिलेगी। दूसरी बात महत्वपूर्ण इन झांकियों में जो ब्रांज के म्यूरल्स होंगे उसमें सनातन सिद्धांतों का रिफ्लेक्शन होगा। हर एक म्यूरल एक अपनी कथा बताएगा। तो ये सारा कार्य 2024 दिसंबर तक पूर्ण होगा। मंदिर के अंदर जो भगवान का दर्शन है, जो पांचों मंडप हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वह पूर्ण हो जाएंगे। आपने यह भी बात चर्चा की कि प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 में इसका शुभारंभ किया था। आप सभी अवगत हैं कि प्रधानमंत्री जी की इस मंदिर के प्रति एक प्रकार से वचनबद्धता थी। कैसे? उन्होंने ईमानदारी के साथ, उनकी यह परिकल्पना केवल यह नहीं, क्योंकि आंदोलन चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, लेकिन वह निश्चित मत के थे कि इस स्थान पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि केवल न्याय की दृष्टि से नहीं, कानूनी दृष्टि से नहीं, अधिकारों की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक प्रकार से आप यह सोचें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या में स्थापना उनके लिए एक फेथ का विषय था, एक विश्वास का विषय था। और इस दृष्टि से उन्होंने जब शुभारंभ किया तो यह संकेत मिल गया था कि मंदिर का निर्माण इस प्रकार का हो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जितने श्रद्धालु हैं वह सभी मंदिर में आकर अपनी पहचान समझ सके। जी निरपेन जी, अगर बात मैं करूं राम मंदिर की, राम मंदिर इस देश के लोगों की आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है, और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने विकास से भी राम मंदिर को जोड़ा। भारत की जो संस्कृति रही है, जो आस्था रही है, वो भी प्रधानमंत्री जी ने उसका भी उल्लेख किया। अगर मैं अयोध्या के विकास की बात करूं, राम मंदिर बन रहा है भव्य, दुनिया भर के जो हमारे राम भक्त हैं उनकी आस्था का केंद्र होगा। विकास की दृष्टि से अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बने, उस दृष्टि से क्या हो रहा है? आप अयोध्या की तस्वीर बदली हुई देखेंगे लगभग 2 वर्ष के बाद। अयोध्या वह अयोध्या नहीं होगी जो आपने अब तक देखी है। आपने चूंकि विकास की दृष्टि से पूछा, हम आप सभी जानते हैं और हमने प्रधानमंत्री जी को भी अपने भाषणों में यह कहते हुए सुना है कि पर्यटन किस प्रकार से विकास को बढ़ावा देता है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आता है, पूंजी विनिवेश होता है, और
किस प्रकार से जीवन शैली भी उस क्षेत्र की बदल जाती है। आज यदि आप अयोध्या में देखेंगे तो राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम उठाए हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो श्रद्धालु आए, विदेश से आए, देश से आए, अगल बगल के जनपदों से आए, उन सब को सुविधा मिले। यह तो एक लक्ष्य है जी। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा होता है। हर व्यक्ति जो आ रहा है तो वह उम्मीद करता है कि यहाँ पर होटल की सुविधा क्या है, वह उम्मीद करता है कि यदि उसको रात्रि में रहना है तो किस प्रकार से वह रह सकेगा अयोध्या के अंदर, वह उम्मीद करता है कि जो आज की टेक्नोलॉजी लेड जीवन है तो उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो अयोध्या निवासी हैं, जो कि वर्तमान में सारी असुविधाएं का अनुभव कर रहे हैं, सड़कें चौड़ी करने के लिए उनके घरों के आसपास कार्य हो रहा है, उनके जीवन दूभर हो गया है, लेकिन एक भी शब्द वह विरोध में नहीं करते। वह सब एक मत से यह कह रहे हैं कि सड़कों का निर्माण आवश्यक है, जल संचार का कार्यक्रम लिया जाना चाहिए, सीवेज का कार्यक्रम लिया जाना चाहिए। राज्य सरकार एक छोटा सा अपने तरीके से आप सोचें तो एक सिटी इस्टेब्लिश करने की बात भी कर रही है। लगभग 1300 एकड़ में वह एक नया शहर बसाने की बात कर रहे हैं, जहां पर कि देश के तो रेस्ट हाउसेस या गेस्ट हाउसेस होंगे ही। यह सुविधा यदि किसी अन्य देश के लोग अपना गेस्ट हाउस बनाना चाहते हैं तो उनको भी मिल सकेगी। तो संचार की सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी चीज़ें अयोध्या में एक नए मोड़ पे आ गया है जी। नृपिन जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है, प्रधान सचिव रहते हुए आपने बहुत करीब से उनके विज़न को देखा है। अयोध्या की अगर मैं बात करूं राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री के विज़न की, ये बात मैं इसलिए आपसे जानना समझना चाहता हूं क्योंकि इस देश में राम मंदिर अयोध्या में बने इसको लेकर सदियों संघर्ष हुआ, सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो सदियों का इंतज़ार अब पूरा हो रहा है, वो घड़ी निकट आ रही है जब मंदिर बन रहा है। लेकिन जो संघर्ष इस देश ने देखा, और हमने ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शांतिपूर्वक भूमि पूजन हुआ, भाईचारे का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया, भारतीय संस्कृति का कैसे विकास हो इसका संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो जो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली और विजन है वो क्या रहा? बड़ा अच्छा सवाल इसलिए है कि यदि उस समय की घटना और वर्तमान में उनके विचारों को देखा जाए तो किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ थॉट या डेवलपमेंट ऑफ ए हिस्टोरिकल नरेशन जो सोच के आगे बढ़ाना होता है वह स्पष्ट होगा। एक समय ऐसा था जबकि विवाद कानूनी दलदल में फंस गया था, किसी को विश्वास नहीं था कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। सरकार में भी बहुत से लोगों को विश्वास नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी आशावान थे कि निश्चय ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वह निर्णय लेगी और जो भी निर्णय होगा जस्ट एंड फेयर वो पूरे राष्ट्र को मान्य होगा। वह इस मत के भी थे कि इस निर्णय से किसी की हार या जीत परिलक्षित नहीं होनी चाहिए।
ये उनका एक फेज था 2 नवंबर 2019 तक था उनकी विचारधारा, लेकिन उनके मन में विश्वास कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हो सकता है उनके मस्तिष्क में अनेक विकल्प चल रहे हों कि किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कैसा राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन जब नवंबर में निर्णय आ गया और यह स्पष्ट हो गया कि राम मंदिर जहां पर हम कल्पना कर रहे थे, हम आंदोलन चला रहे थे, जहां हमने पहचान रखी थी कि मंदिर का निर्माण होना है, वहीं पे भूमि का आवंटन जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हो गया, तो दूसरा फेज प्रधानमंत्री जी का शुरू हुआ। जैसे वो मैंने कहा कि एक हिस्टोरिकल नरेशन होता है। आज आप यदि प्रधानमंत्री जी की विचारों, विश्वास या आशा के बारे में जानना चाहें, तो उन्होंने यह बड़ा स्पष्ट किया कि देखिए, आंदोलन का पक्ष इतिहास था। हो सकता है उसमें दो पक्ष हों, थोड़ी कटुता भी हो, थोड़ा इतिहास हो, लेकिन अब आंदोलन समाप्त हो गया है, उसको प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए। प्रमुखता मिलना चाहिए कि राम किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम बने, वनवास जा करके और लौटने पर किस प्रकार वह धीरे धीरे भगवान के स्वरूप हो गए, और देश में सामाजिक समरसता किस प्रकार आई। तो आज मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी मर्यादा पुरुषोत्तम और सामाजिक समरसता, इन दोनों का एक तरीके से संदेश अयोध्या से चाहते। मैं एक बात आपसे और जानना चाहता हूँ, खासतौर से आप मंदिर निर्माण को बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि पुरातत्व विभाग ने जो खुदाई वहाँ पर की थी और तमाम तरह की वहाँ पर मूर्तियाँ निकली, अवशेष निकले प्राचीन, क्या उनको भी स्थापित मंदिर परिसर में या जो भव्य मंदिर का स्वरूप होगा उसमें कहीं स्थान मिलेगा? निश्चित मिलेगा, लेकिन स्थान कहाँ होगा उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा आपकी बात को। अयोध्या में पहले से एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है, रामायण से संबंधित है। रामायण का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप क्या है और किस किस प्रकार के लोगों की विश्वास और आस्था अन्य देशों में है, राज्य सरकार ने एक संग्रहालय बनाया है। तो यह उचित समझा गया कि इसकी बजाय कि हम सारे प्रयास दोहराएं, और चूंकि वह मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मेन हाईवे पर है, तो अनुरोध किया गया ट्रस्ट की ओर से कि यदि यह संग्रहालय ट्रस्ट को दे दिया जाए तो ट्रस्ट यहीं पर मंदिर से संबंधित, मंदिर के इतिहास से संबंधित, भगवान राम से संबंधित, रामायण से संबंधित और अयोध्या से संबंधित, अयोध्या का एक परिचय, इन सब को मिलाकर संग्रहालय बनाएगा। तो राज्य सरकार, मुझे खुशी है, मैं संभवतः पहली बार यह बात कहीं बता रहा हूँ कि राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है और एक माह में ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच में MOU हो जाएगा और उस म्यूज़ियम को ही हम मंदिर का म्यूज़ियम बनाएंगे। और वहीं पर जो आपने कहा कि जो विभिन्न पिछले कई वर्षों में जो खुदाई हुई और खुदाई में जिस प्रकार के ऐतिहासिक वस्तुएं मिली, उनको हम वहाँ पर एक डिस्प्ले ही नहीं बल्कि उसके बैकग्राउंड में क्या एक निष्कर्ष सा निकलता है या संकेत मिलता है, उसका भी हम वहाँ पर विवरण देंगे। नितिन जी, 5 अगस्त की बात मैंने शुरू में की और मैं जानना चाहता हूँ आपसे प्रधानमंत्री जी के विज़न की। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 अगस्त का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर मैं देश की बात करूँ तो देश की अखंडता कैसे मजबूत हो,
अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त को हटाने का फैसला प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में इस देश की संसद ने लिया। 5 अगस्त को ही भव्य मंदिर कैसे बने उसका फैसला हुआ, भूमि पूजन किया गया। इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 370 का मुद्दा भी इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है और राम मंदिर का मुद्दा भी, और साथ में प्रधानमंत्री जी का विजन, इन दोनों मुद्दों पर क्या कहना है आप? देखिए, मैं मंदिर के विषय में तो आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जो अन्य निर्णय जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने में ऐतिहासिक निर्णय है, उनको वर्तमान में चर्चा करना कदाचित उचित ना हो, क्योंकि वह विषय भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। लेकिन यह आप निश्चित रूप से, चूंकि मैंने कार्य किया है, मैं एक तरीके से प्रामाणिक ढंग से मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश की एकता और अखंडता के लिए इस प्रकार के निर्णय लेने में कभी उनको किसी प्रकार दोबारा नहीं सोचना होता। वो दृढ़ मत के हैं, उनको दिशा मालूम है, दशा मालूम है, और उनको यह भी मालूम है कि किस प्रकार से किस अवधि में किसी निर्णय को लागू करना चाहिए। तो इतना ही मैं कहूँगा, यह अवश्य है कि जो मंदिर के लिए शुभारंभ के लिए वो आए, वह देश की एकता अखंडता और एक जो कल्चरल हेरिटेज है उसको ग्लोबल स्वरूप देने में उन्होंने एक अनोखी भूमिका अदा की है। जी निर्भय जी, आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आप जाने माने IAS हैं रहे हैं, और आपने सरकार के तमाम उच्च पदों पर कार्य किया है। आपने प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की अगर मैं बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी, आपने उनके साथ भी बहुत निकट के साथ कार्य किया, और आपने अयोध्या का जो आंदोलन था, जो जन भावनाएं थी, बहुत करीब से देखी है। लेकिन मंदिर निर्माण का कार्य आपको सौंपा, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने जो सार्वजनिक कार्य थे वो तो निभाए, इस कार्य को आप कैसे महसूस कर रहे हैं जो आपको मिला? जो मुझे पहले जिम्मेदारियां मिली, और ये सही है कि मैं उस डगर से गुजरा हूँ जब देश में या अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था। गोपनीयता के कारण मैं श्री मुलायम सिंह जी, आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी एवं आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी, उनके कार्यकाल में किस प्रकार कैसे कैसे घटनाएं हुई और निर्णय हुए, उनकी चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन यह अवश्य आपको संकेत सा देना चाहूँगा कि उस पूरे कार्यकाल में मंदिर का स्वरूप कब और कैसे वास्तविक होगा इसकी थोड़ी कल्पना कम थी, अनिश्चितता ज़्यादा थी। लेकिन बाद में 2019 के बाद जो एक निश्चित दिशा मिल गई, और जब मुझे जिम्मेदारी मिली, इस जिम्मेदारी को तो मैं अपने पूरे जीवन के प्रशासनिक कार्यकाल से भिन्न समझता हूँ। ये स्वयं में मुझे अभी आभास नहीं हो पा रहा है कि इतना बड़ा कार्य जो देश विदेश सबसे जुड़ेगा, इतिहास से जुड़ेगा, उसमें मैं क्या भूमिका अदा कर रहा हूँ, अभी मुझे इसका बहुत आभास नहीं है। केवल एकमात्र आभास है कि यह कार्य पूर्णतः दैविक आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं इससे ज़्यादा
अभी आपको स्पष्ट नहीं कर सकूंगा। जी, मैं इसलिए जानना चाह रहा था क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरकारी कार्यों को, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन वो आसान है, लेकिन इसमें जन भावनाएं, साधु संत, संत समाज सबको एक साथ लेके चलना और उस मंदिर निर्माण के कार्य को उसकी परिणति तक पहुंचाना, ये अपने में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। कैसी कैसी चुनौती कुछ आई, किसका सामना किया आपने? अच्छा सवाल है, क्योंकि ये मेरे पूर्व अनुभव से भिन्न था। जो भी प्रशासनिक अनुभव मैंने प्राप्त किया था उसे बिल्कुल अलग था। और आपने बड़े अच्छे अच्छे शब्द बताए अभी कि जनभावना, लोगों की अपेक्षा, साधु समाज जो आंदोलन में प्रमुख थे, जो अगुआ थे, उनकी अपेक्षाएं, क्योंकि उन्होंने यह विश्वास रखा है अपने मन में कि आज का दिन उनके कारण आया है, इसलिए वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये अपेक्षा करते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में उनकी भावनाएं परिलक्षित होनी चाहिए। प्रारंभ में ही मुझे इस प्रकार के संकेत और संदेश मिले कि आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा, आपको निश्चित रूप से साधु संतों का सम्मान करना होगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, अयोध्या निवासियों की अपेक्षाओं का सम्मान करना होगा। तो एक तरीके से एक आप यह समझें कि हर कदम पर, जो आपने पूछा कि अनुभव क्या है, तो हर कदम पर मुझे निर्णयों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ता था और करना है और आगे करता रहूँगा कि हर समूह यह समझे कि यह निर्णय उसका है, यह निर्णय मेरा नहीं, यह निर्णय उसका है। तो चाहे वह दिशा की स्थिति हो, वास्तु की दृष्टि से स्थिति हो, मंदिरों के भिन्न भिन्न मंदिरों के निर्माण की स्थिति हो, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनना है, निषाद महाराज का मंदिर बनना है, सबरी माता का मंदिर बनना है, अहिल्या जी का मंदिर बनना है, गुरु वशिष्ठ का बनना है, तो हर एक समाज के हर अपेक्षाओं को उनके संकेत के अनुसार हम सही उतर सकें, यही एक चुनौती है जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके सफल होकर आपके सामने पुनः आऊं। जी चलिए निरपेन जी, आपने हमसे बात की, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।